मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार भानुभाई देसाई, गांव पानेथा, तालुको झगड़िया, जिलो भरूच, गुजरात राज्य। मेरा फोन नंबर है 9428687219। मैं केले की खेती लास्ट 28-29 साल से करता हूं। इस केले की खेती के साथ साथ मैंने 15 साल तक केला का मार्केटिंग, फील्ड मैनेजमेंट और अकाउंट का काम भी एक प्राइवेट हमारा खेतों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी काम किया है। केले की खेती में पहले हम केले की गांठ लगाते थे। 2003-04 में हम जब जलगांव में गए जैन इरीगेशन कंपनी में, वहां हमने केले का टिश्यू कल्चर और ड्रिप इरीगेशन का एक नया कॉन्सेप्ट और नई टेक्नोलॉजी देखी। उसने हमारे गांव में लाके हमने उसको एडप्ट किया। उस टेक्नोलॉजी एडप्ट होने के बाद 2007-08 में हमने प्राइवेट कंसल्टेंट रखा और उसने हमें प्लांट का पूरा एक मेथड समझाया। वो भी एक फ्लिटमाइसी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आई, उस वो टेक्नोलॉजी भी हमने उससे एडेप्ट किया। और जब हम केले की गांठ लगाते थे तब पर एकड़ 14 से 15 टन केला होता था, वहाँ ये नई टेक्नोलॉजी एडेप्ट करने से हमारा 35 से 40 टन पर हेक्टर केला का उत्पादन हुआ। पहले हमारा केला गांठ के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी और उसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड भी 12 से 14 से 16 महीने तक होता था। जब हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन का जब एडॉप्शन किया तब हमारी फसल केवल 10 महीना और 10 दिन में पूरी साल की खत्म, 10 महीना और 10 दिन में पूरी फसल हार्वेस्ट हो जाती है। उसका रिटर्न क्रॉप 17 महीने में 2 क्रॉप हमारा हार्वेस्ट हो जाता है और 26 महीने में 3 क्रॉप हमारा हार्वेस्ट हो जाता है। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है पूरे इंडिया में कहीं भी इतने कम समय में ज्यादा उत्पादन कहीं नहीं ले सकते किसान, वो टेक्नोलॉजी हमने वहां इंप्लीमेंट किया। हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटीग्रेटेड बायो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट IBNM, ग्रीन मैन्युअल, कंपोस्टिंग, वो सबका ग्रीन मैन्युअल करके जमीन का जो कार्बन है वो भी मेंटेन किया। बायो कंपोस्टिंग का सुगर का जो बायो कंपोस्ट खाद है उसका भी यूज करके हमने केमिकल फर्टिलाइजर के सामने उसको भी एक अच्छा एक हमारे को फ्रीक्वेंस मिला। और ये सब टेक्नोलॉजी का हमने जब एडॉप्ट किया वो हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन पहले जो 14 महीने में जो 12 से 15 टन आता था वो आज 10 महीने में 35 से 40 टन हो गया और हम 26 महीने में 3 बार केला काटते हैं। वो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, हमने 2013-14 में मिडल ईस्ट के 5 देश में केला एक्सपोर्ट किया। मेरा केला के 90% मैंने गल्फ में 5 देशों में एक्सपोर्ट किया था और उस एक्सपोर्ट के हिसाब से मेरे को गौरी हाईटेक बनाना 2015 में एक एक्सपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। आज तक केले की फसल में मेरे को 10 नेशनल लेवल और 6 स्टेट लेवल के अवार्ड भी मिल चुका है। रिसेंटली 2018-19 का गुजरात का बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है। ओवरऑल देखे तो हमारे को ICAR AIAR पूसा और केवी के चासो ने भी बहुत सारा जो नया काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया और उसके माध्यम से हमें अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिली और अच्छा हमें को फायदा भी हुई।